गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, नाउ वी आर स्टार्टेड अ चैप्टर नंबर 13, डिजीज। इस चैप्टर में हम डिजीज के बारे में पढ़ेंगे कि जैसे हमें कौन कौन से डिजीज हो जाती है, किसके किस किस कारण से। तो इस चैप्टर में हम बेसिकली यही पढ़ेंगे कि हमें किस चीज़ से कौन सी डिजीज हो जाती है, उसे हम पहचानेंगे। जैसे जस्ट लाइक अ मशीन द ह्यूमन बॉडी वर्क स्मूथली एंड एफिशेंटली मोस्ट ऑफ द टाइम। हमें पता है कि ह्यूमन बॉडी जो है एक जस्ट मशीन की तरह है, और हम काम जितना इससे काम लेंगे उतना हमारी बॉडी जो है एफिशिएंसली, मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब जितना हम काम कराएंगे उतना हम काम कर लेंगे, ठीक है, और एक स्मूथली। हाउएवर इट इज़ अ ओकेशनली स्टॉप ऑपरेटिंग्स नॉर्मली। कुछ समय बाद ये ओकेशनली जो है बंद हो जाती है काम करना। क्यों? क्योंकि ड्यू टू सम डिजीज, कुछ इसमें रोग हो जाते हैं, रोग लग जाते हैं, इसलिए। उसी को हम इसमें चैप्टर में पढ़ेंगे, जैसे बैक्टीरिया और वायरस के कारण, ठीक है। यहाँ पे टिक द करेक्ट आंसर क्वेश्चन हम पढ़ेंगे, और यहाँ पे तीन ऑप्शंस हैं, तीनों में से एक ऑप्शंस को हम टिक करेंगे। ओके स्टूडेंट, नाउ एवरीवन रेडी फॉर दैट? ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1, विच डिजीज इज कॉज बाय द बिट ऑफ फीमेल एनोफिलस एंड मॉस्किटो। मतलब मॉस्किटो के जो फीमेल मॉस्किटो है उसके काटने से कौन सा रोग होता है, कोई बता सकता है? तो देखो भाई, पहला जो है मलेरिया है, दूसरा है कॉलरा है, और तीसरा पैरालाइज। देखो पैरालाइज तो होगा नहीं, कॉलरा तो होगा नहीं, हमने मलेरिया सुना है कि मच्छर के काटने से होता है, तो हम कौन सा ऑप्शन नंबर के साथ जाएंगे? तो भाई ऑप्शन नंबर 1 के साथ हम जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे नंबर 1 हो जाएगा। ओके, नाउ सेकंड, विच डिजीज इज कॉज बाय डायरेक्टली कॉन्टैक्ट विथ इन्फेक्टेड पर्संस और इन्फेक्टेड ऑब्जेक्ट। मतलब वो ऐसा रोग बताइए जो एक दूसरे के क्या होता है, कांटेक्ट के थ्रू हो जाता है। मतलब मैंने अगर किसी को टच किया तो उसे भी हो जाएगा, और तुमने अगर टच किया तो उसे भी हो जाएगा, तो उस डिजीज़ का क्या नाम है? तो देखो क्या होता है, हमारा मलेरिया तो होगा नहीं, मलेरिया तो किसके थ्रू होता है, हमें पता है मॉस्किटो के कट करने से होता है। फ्लॉग जो होता है हमारा, ये भी नहीं है, और चिकन पॉक्स जब होता है घर में, जिसे हम माता भी बोलते हैं, तो उसमें क्या होता है कि हम मम्मी कहती हैं कि भाई उसके पास मत जाना वरना तुम्हें भी हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर 2 के साथ हम राइट है। ओके, नंबर 3, विच डिजीज इज कॉज बाय बिट ऑफ रैबिट एनिमल्स लाइक डॉग, कैट और मंकी। भाई ऐसा कौन सा डिजीज़ है जो कुत्ते के काटने से, बिल्ली के काटने से और मंकी के काटने से हो जाता है, उस रोग का नाम बताना है, तो कोई बता सकता है? तो रोग का नाम है क्या? रिब्स, ठीक है, ये हो जाएगा ना। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर कौन सा? सी इज करेक्ट आंसर ऑप्शन, ठीक है। नंबर 4, विच डिजीज इज कॉज बाय ईटिंग फूड एक्सपोज टू डर्ट एंड फ्लाई। मतलब क्या, ऐसा रोग बताना है कि जो हमारे गंदे खाने से क्या होता है, खाने पे जो मक्खियाँ बैठ जाती हैं, डर्टी हो जाती हैं, फ्लाई हो जाती हैं उसकी वजह से। मतलब जो हमें मक्खियाँ बैठ जाती हैं, हमारा खाना गंदा हो जाता है, इन्फेक्टेड हो जाता है, उस डिजीज़ का क्या नाम है? तो हमारे उस डिजीज़ का क्या नाम है, तो कोई बता सकता है उस डिजीज़ का क्या नाम है? तो देखो मलेरिया तो होगा नहीं, और गॉट्रिस होगा नहीं हमारा, और जो सेकेंड जो है हमारा क्या है, कोलोरा, ठीक है। तो ये ऑप्शन जो है हमारा क्या है, कोलोरा जो है हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। विट नंबर 5, विच डिजीज इज कॉज बाई द डिफिशेंसी ऑफ आयोडीन। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो हमारे क्या होता है, गर्दन में जो बहुत स्वेलिंग टाइप में हो जाती है उसे बोलते हैं क्या, कैंसर तो होगा नहीं, पैरालाइज होते नहीं हम, ठीक है, आयोडीन की कमी से। तो कौन सा ऑप्शन के साथ जाएंगे? गॉट्रे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 के साथ हमारा जो है करेक्ट ऑप्शन है, ठीक। नंबर 6, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डिजीज इज कॉज बाय द डिफिशेंसी ऑफ आयरन। आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? आयरन जो हम, अगर हमारे बॉडी में आयरन प्रेजेंट नहीं है तो कौन सा रोग होगा, कोई बता सकता है? देखो भाई कोई बता दें,
तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर, किसके साथ जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी के साथ, एनीमिया। एनीमिया जो होती है वो आयरन की कमी से होती है, ओके। एनीमिया, एनीमिया जो होती है हमारी किससे होती है, आयरन की कमी से होती है। नंबर सेवन, विच डिजीज इज कॉज बाय रैट्स एंड स्प्रेड रैपिडली इन्फेक्टेड लार्ज नंबर ऑफ पीपल। ऐसा हमें नाम बताना है कि जो जल्दी लोगों को क्या करता है, इन्फेक्ट करता है और बहुत ही जल्दी, उसका क्या नाम है, तो उसका नाम है प्लेग, ठीक है, नंबर ए के साथ जाएंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।